अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास जो भी ड्रेस है इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हैंड वर्क करना है, तो जैसे लाइमलाइट के ऊपर मुख्तलिफ तरह की स्टोन्स और सीक्वेंस और ये टिक्की स्टोन के साथ बटन बनाए होते हैं, थोड़ा सा वो लुक देंगे इसको। ये इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड गला है और इसके ऊपर पाइपिंग है, तो इसके ऊपर ये किस तरह से काम शुरू किया है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने ये वाला स्टफ़ लिया है, इसमें ड्रॉप शेप के लाइट पीच में होती हैं और ये वाइट पर्ल है ड्रॉप शेप का, और बाकी इसमें छोटी छोटी बस फिलिंग के लिए चीज़ें यूज़ की हैं। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टिक्की स्टोन लिया है और इसके ऊपर एक वाइट छोटा मोती, बहुत कम मोती लेके यहाँ से इसको शुरू करेंगे। और इसके ऊपर ये वाइट मोती है, दूधिया वाइट। अच्छा, इसको बनाना इस तरह से कि बस इसकी फिलिंग करते जाना है, शेप इसकी आप थोड़ा सा मेंटेन रखें या ऊपर नीचे भी हो जाए तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस इस तरह से इसका मुख्तलिफ तरह का मटेरियल यूज़ करके एक बटन की शेप दी है इसको। तो इसके बाद अब इसके नीचे एक स्टोन यूज़ करेंगे, ये वाइट स्टोन है। और इसके बाद इसके साथ ही ड्रॉप शेप का वाइट पर्ल, ये छोटे साइज़ में है, मीडियम साइज़ है ये। एक इससे बड़ा होता है और एक इससे छोटा है, लेकिन ये मैं इसमें गला है इसलिए मीडियम यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद तीन ड्रॉप शेप के पीच मोती लगेंगे। ये तीन लगा के इसके बाद ये गोल्डन नलकी यूज़ करेंगे, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा कलर आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी डल हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए थोड़ी और डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हैं। और अब इसमें ये रेड सितारा डालूंगी, क्योंकि इसके दुपट्टे में और ट्राउज़र में थोड़ा सा रेड शेड है, तो इसलिए बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा कलर आ जाए। इसको भी हल्का सा मैंने टेढ़ा करके अच्छा ये लग गया। और इसके बाद अब इस शेप का ये वाइट क्रिस्टल यूज़ करूँगी। इसके बाद एक वाइट छोटा क्रिस्टल बस फिलिंग के लिए। इसके साथ एक वाइट सितारा लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा नजर आए। इस तरह से
और इसके बाद मैं फिर वाइट पत्थर यूज़ करूँगी। वाइट पत्थर के बाद मैंने इसमें सी ग्रीन एक स्टोन यूज़ करना है, इससे भी थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसमें। और इसके बाद बस एक गोल्डन नलकी, तो ये हमारा एक और बटन कंप्लीट है। और शर्ट के ऊपर इस तरह के चार बटन बनेंगे, दो मैंने बना लिए, अब दो और करके तो इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। बस अब धागा काट लेंगे हमने, और ये इसका लुक है। अब तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आऊँगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।